फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग एरर डिटेक्शन के मेथड्स देखने वाले हैं दो, जो कि है पेरिटी चेकिंग मेथड और चेकसम एरर डिटेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं पहले पेरिटी चेकिंग से। तो द सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एरर्स इज टू एड एन एक्स्ट्रा बिट नोन एज पेरिटी बिट टू ईच वर्ड बींग ट्रांसमिटेड। इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुम्हारा एक डेटा बिट, मतलब एक फ्रेम है, फ्रेम के आगे एक पेरिटी बिट लगा दो, जिससे तुम्हारा जो एरर डिटेक्शन है वो पॉसिबल हो सके। अब वो एरर डिटेक्शन कैसे पॉसिबल है वो आगे हम लोग देखने वाले। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक तुम्हारा डेटा जो वैल्यूज है, जो डेटा बिट्स है वो आएंगे, और जो एकदम लास्ट वाला बिट होगा, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ पैरिटी बिट। तो पैरिटी बिट का पोजिशन तो फिक्स हो गया कि हाँ भाई, सेंडर ने जो भी पैरिटी बिट लगाएगा वो MSB में लगाएगा। और तो अब पैरिटी बिट के भी दो वैल्यू होते हैं, दो पॉसिबल वैल्यू होंगे बाइनरी में, 0 या 1। तो उसके वजह से दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, या तो वो इवन पैरिटी होगा या तो वो ऑड पैरिटी होगा। तो इवन पैरिटी क्या होता है कि जो डेटा बिट्स है ना मेरे, जैसे D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0, इनमें जो नंबर ऑफ वंस होंगे वो इवन होंगे। मतलब वन अगर दो बार आ रहा है तो इवन है, चार बार आ रहा है तो इवन है, छह बार आ रहा है तो इवन है। तो उतने नंबर ऑफ वंस जब इवन आएंगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ, मेरा जो डेटा बिट है वो इवन पैरिटी फॉलो कर रहा है। उसी तरह जब ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे ना, 1, 3, 5, 7 या फिर ऑड मल्टीपल कोई भी, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई, जो मेरा डेटा बिट है वो ऑड पैरिटी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो पैरिटी हो गया, उसका दो कॉम्बिनेशन देख लिया अपन ने, क्या या तो वो इवन पैरिटी होगा या तो वो ऑड पैरिटी होगा, और वो लगेगा कहां, एमएसबी में। तो ये क्या है पैरिटी चेकिंग, ये एक सिंपलेस्ट टेक्निक है कई के लिए डिटेक्टिंग फॉर एरर्स। और क्या कर रहे हैं हम लोग, एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट, हर वर्ड के पहले। तो ये तो इतना तो क्लियर हो गया होगा तुम लोग का। अब बढ़ते हैं आगे, अब क्या देख रहे हैं अपन, यूज ऑफ पैरिटी बिट टू डिसाइड पैरिटी। मतलब पैरिटी बिट से तुम पैरिटी कैसे डिसाइड करोगे, तो कुछ तो एक वैल्यू असाइन करेंगे ना कि इवन पैरिटी कब होगी और ऑड पैरिटी कब होगी, तो वो डिसाइड करते हैं। चलो, तो द पैरिटी बिट कैन बी सेट टू 1 और 0, दो ही पॉसिबल चीज है बाइनरी में, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पैरिटी रिक्वायर्ड। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं, मतलब ये मेरा कंसीडरेशन है कि मैं ऑड पैरिटी को 1 दूंगा और इवन पैरिटी को 0 दूंगा। अब इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि ऑड पैरिटी 1 आएगा और इवन पैरिटी 0 आएगा, कुछ भी यूज कर सकते हो तुम लोग, तुम्हारी मर्जी है। एग्जाम में बस स्पेसिफाई कर देना कि मैंने ऑड पैरिटी को 1 कंसिडर किया और इवन पैरिटी को 0 कंसिडर किया। तो बेसिकली इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी दिया है लोग ने कि सेंडर रिसीवर आपस में अग्री कर सकते हैं इस पे कि किसको ऑड पैरिटी देना और किस चीज पे इवन पैरिटी देना है, 0, 1 जो भी है। ठीक है, तो मैंने ये मान के चला हूं कि ऑड पैरिटी मेरे लिए 1 होगी और इवन पैरिटी कब होगी, जब मेरा पी सेट होगा 0 पे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेरा डेटा बिट है 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ वंस कितने, 1 2 3 4, 4 इवन नंबर है, तो इवन पैरिटी हुई, तो मेरा पैरिटी बिट में क्या वैल्यू आएगा मेरा, तो जो मेरा पैरिटी बिट है पी, वहां पे क्या आएगा, 0, क्योंकि मैंने इवन पैरिटी हमेशा डिनोट कर रहा हूं 0 से। तो मेरा ये इवन पैरिटी वाला फ्रेम हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 एक ऑड नंबर है, तो डेटा बिट्स में ऑड नंबर ऑफ वंस है तो ऑड पैरिटी आएगा। तो मैं ऑड पैरिटी को कैसे डिनोट कर रहा हूं, पैरिटी बिट में 1 डाल के। तो इस तरह से जो रिसीवर है, जब उसको फ्रेम मिलेगा, वो चेक करेगा पैरिटी बिट को, अगर 0 होगा तो उसको ये पता होगा कि डेटा बिट्स में 1 है, कितने वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस है, और ऑड पैरिटी से ये पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ वंस है वो ऑड है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब नेक्स्ट चीज है कि एरर डिटेक्शन कैसे होता है, ये सब तो देख लिया इवन ऑड, पर रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि भाई एरर आया है कि नहीं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये हो गया अपना ट्रांसमिटेड कोड जिसका पैरिटी बिट वैल्यू है 0, मतलब क्या है, इवन पैरिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इवन है, 4 है। तो यहाँ पे इसने क्या डिसीजन दिया, पैरिटी इवन है और ट्रांसमिट कर दिया भाई। तो रिसीव्ड कोड मिला, मतलब रिसीवर के पास कोड पहुंचा, उसने पैरिटी बिट चेक किया तो पैरिटी बिट आया 0, मतलब इवन होना चाहिए। फिर उसने डेटा बिट्स के थ्रू गया तो उसने देखा
एक दो तीन, पर यहां तो ऑड पैरिटी लग रही है मेरे को। तो तब जाके उसको पता चला कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, इसका एक वन कहीं तो गुल हो गया। तो वो कहाँ गुल हुआ है? यहाँ पे। रिसीवर को ये नहीं पता कि यहाँ पे गुल हुआ है, उसको सिर्फ ये पता है कि कहीं तो गायब हुआ है कुछ तो। तो यहाँ पे हमको ये पता चलेगा कि कुछ तो एरर यहाँ पे डिटेक्ट होगा हमारा। तो यहाँ पे हमने एरर डिटेक्शन कर लिया क्या? हाँ भाई, पैरिटी बिट अगर जीरो है तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस मिनिमम 4 होने चाहिए थे, या तो 2 होने चाहिए थे, या तो ये एक्स्ट्रा आया है, या तो कहीं से लॉस हुआ है, ठीक है, ये या कोई भी नंबर ऑफ वन। तो यहां से हमको ये पता चलेगा कि पी जीरो है पर पैरिटी मेरी ऑड आ रही है। तो डिसीजन क्या दूंगा मैं? इनकरेक्ट वर्ड, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ऐसे होता है पैरिटी चेकिंग में। अब आ जाते हैं पहले वाली की बुराई पे, क्योंकि हर नया मेथड सीखने से पहले पहले वाली की बुराई करना जरूरी है। तो पहले वाली की बुराई ये है कि उसमें तुम ये नहीं पता कर सकते कि कितने नंबर ऑफ मंथ्स गुल हैं या एक्स्ट्रा आए हुए हैं। मतलब वो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हम नहीं जान सकते कि एरर कितना बड़ा है या कितना छोटा सा है। तो वहां पे हमारी यूज में आता है चेकसम एरर डिटेक्शन। तो चेकसम मतलब मेरा चेकसम तुमने सुना होगा, जैसे अब तुम इन्वेंटरी देख रहे हो, स्टॉक्स देख रहे हो, तो तुम्हारे पास एक चेकसम है कि हाँ मैं आज सुबह उठा, मैंने ब्रश किया, मैंने चाय पिया, टिक टिक करते जा रहे हो। तो चेकसम भी एक तरह से वैसे ही काम करता है। तो ये कैसे करता है? पहले तो पहले पॉइंट में बुराई की है कि सिंपल पैरिटी कैन नॉट डिटेक्ट टू और इवन नंबर ऑफ एरर्स विद इन द सेम कोड वर्ड। मतलब वो प्रोबेबिलिटी वाली चीजें नहीं देख पा रहा है कि एरर कितना बड़ा है या कितना छोटू सा है, ठीक है। तो टू ओवरकम दिस ये मेथड यूज करते हैं। एज ईच वर्ड इज ट्रांसमिटेड, इट इज एडेड टू प्रीवियसली सेंट वर्ड एंड द सम इज रिटेन्ड एट ट्रांसमिटर। मतलब ये क्या होगा कि सेंडर का यहाँ पे क्या काम है, जो वो पिछला वर्ड उसने भेजा है और जो नया वर्ड भेज रहा है ना, उन दोनों को ऐड करके एक चेकसम बनाएगा और वो पहला वाला वर्ड मतलब भेजेगा, और रिसीवर के पास उससे पहले वाला ट्रांजेक्शन जो सक्सेसफुल हुआ था उसका एक वैल्यू होगा, तो उसको वो नए वाले आए हुए से ऐड करेगा, और उसको भी अगर सेम चेकसम मिलेगा मतलब क्या कि हाँ भाई वैल्यू सेम आ रहा है। तो कैसे होगा? जैसे अगर ये बाइट ट्रांसमिट करनी है तो सेंडर प्रीवियस वाले से उसको ऐड करके एक चेकसम बनाएगा, ये ट्रांसमिट हो गया। अब रिसीवर क्या देखेगा? उसी को प्रीवियसली सेंट वाले से ऐड करेगा और उसको भी एक चेकसम मिलेगा। तो जब चेकसम मैच हो जाएगा उसका मतलब क्या है कि हाँ भाई हमारा जो है एरर फ्री डेटा ट्रांसफर हुआ है। पर इन केस अगर चेकसम में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से पोजीशन पे झोल है और कौन से पोजीशन पे झोल नहीं है। तो जो ये चेकसम है ये भी ट्रांसमिट होता है अलोंग विद द जो डेटा तुमको ट्रांसमिट करना है। तो रिसीवर एंड पे प्रीवियसली सेंट डेटा भी कंसिडर किया जाता है, नया वाला आया भी और चेकसम भी, और वहां पे हमको पता चलता है हर एक बिट पे कि कहाँ एरर पॉसिबल है और कहाँ कहाँ एरर हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो भाई उसको मतलब विलिंगली तुम एक्सेप्ट कर लो बस। तो ये दो मेथड्स तो अपन ने देख लिए, इनमें मेजर डिफरेंस भी देख लिया। थर्ड मेथड है अपना सीआरसी, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये था वीडियो ऑन पैरिटी चेकिंग मेथड एंड चेकसम एरर डिटेक्शन मेथड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा तो शेयर कर अपने सारे दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मिनट पर पढ़ दे पूरा। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स करना चाहते हो तो आपको विजिट करो हमारी वेबसाइट पे www.lastminute.com, वहां पे आपको पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, कि और बहुत सारे और भी वीडियोस आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इनके हमने नोट्स भी बनाए, तो पूरे कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है किस तरह से आप हमारे नोट्स ले सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।